覚悟してろよ。行くぜ。हेलो गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम ट्राइगन एंड डार्क साइड की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो कौन किसके ऊपर ज्यादा भारी पड़ेगा। इस एपिसोड में हम अवतार वर्सन ऑफ डार्क साइड के अगेंस्ट ट्राइगन की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अगर बात करें ट्राइगन के बारे में तो वो डीसी यूनिवर्स की इनक्रेडिबली पावरफुल डीमन है। सिर्फ यही नहीं, वो सेलेस्टियल कॉन्क्रीडर भी है। अपनी डिमोनिक फिजियोलॉजी की वजह से ट्राइगन पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो अपनी मॉडरेट एफर्ट से माउंटेन लाइक ऑब्जेक्ट्स को क्रश कर सकता है। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। ट्राइगन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है एंड कई केसेस में उसने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास किया है। इसके अलावा ट्राइगन काफी अच्छा बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के साथ अपनी ओपोनेंट के खिलाफ लड़ता है। ट्राइगन के पास है ना इनवल्नरेबिलिटी। ट्राइगन मोस्ट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल अटैक से इम्यून है। ट्राइगन पोर्टल्स थ्रू डायमेंशनल ट्रेवल भी कर सकता है। ट्राइगन मास्टर है इल्यूजन्स दिखाने में, यानी वो इल्यूजन्स कास्टिंग करके अपनी ओपोनेंट को कंफ्यूज्ड कर सकता है। ट्राइगन के पास है फ्लाइट की एबिलिटी, वो काफी ज्यादा तेजी से उड़ भी सकता है। ट्राइगन के पास है इनहेंस्ड सेंसेस, वो ऐसे ऐसे चीजों को सेंस कर सकता है जो कि एक लो टियर की सुपर ह्यूमन बींग्स एंड कई केसेस पर मेटा ह्यूमन बींग्स भी नहीं कर पाते। ट्राइगन के पास है मेटामॉर्फोसिस या फिर शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी, वो एक ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट हो सकता है एंड ऐसा उसने डॉटर ऑफ डार्क कॉमिक्स पर किया भी है। ट्राइगन के पास है मॉलिक्यूलर रिकंस्ट्रक्शन की एबिलिटी, वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है मॉलिक्यूलर लेवल पर। ऐसा करके वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन या फिर एक लो टियर की सुपर ह्यूमन बींग को भी डिसइंटीग्रेट कर सकता है। ट्राइगन के पास है माइंड कंट्रोल की एबिलिटी, वो एक ही टाइम पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल की माइंड को कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट कर सकता है। ट्राइगन के पास है टेलीपैथिक एबिलिटी, वो लोगों की माइंड पढ़ सकता है। ट्राइगन के पास है हेलफायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी, वो हेलफायर को मैनिपुलेट करके वेस्ट अमाउंट ऑफ फायर ब्लास्ट को जेनरेट कर सकता है। इसके अलावा वो थर्मल ब्लास्ट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। ट्राइगन की एक सिग्नेचर अटैक है जिसे डेथ स्टेयर भी कहा जाता है। वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करके अपनी मुंह एंड आंखों से थर्मल ब्लास्ट को प्रोजेक्शन कर सकता है। और ये जो डेथ स्टेयर है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इसकी मदद से एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ट्राइगन के पास है रिजरेक्शन की एबिलिटी, उसकी जो रिजरेक्शन की एबिलिटी है ये काफी ज्यादा इनहेंस्ड है। उसने एक बार एक फॉलन एंजल को रिजरेक्ट किया था। ट्राइगन रियलिटी वार्पिंग भी कर सकता है। ट्राइगन के पास है इमोर्टालिटी, वो एक इंटर डायमेंशनल डीमन है। टीन टाइटंस कॉमिक्स की बेसिस पर देखे तो ट्राइगन की एज 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड आता है। इन सबके बाद ट्राइगन एक मास्टर कॉम्बेटेंट है, वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन भी है एंड उसके पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट भी है। उसने अपनी पावर्स एंड इंटेलेक्ट को यूज करके पूरे की पूरी यूनिवर्स को कॉन्कर किया था। तो ये था ट्राइगन की पावर्स एंड एबिलिटीज। अगर बात करें अवतार वर्सन ऑफ डार्क साइड की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो उसके पास है गॉडलाइक फिजिक्स। अभी उसकी गॉडलाइक फिजिक्स में आता है गॉडलाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इनक्रेडिबल स्टेमिना एंड ना इनवल्नरेबिलिटी। डार्क साइड की गॉडलाइक फिजिक्स इतना ज्यादा इनहेंस्ड है कि वो पूरे की पूरे जस्टिस लीग से नियर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक बैटल कर सकता है, वो भी बिना थके बिना रुके। डार्क साइड के पास है इमोर्टलिटी, लगभग हर जगह यही देखने को मिला है कि डार्क साइड एक ट्रू इमोर्टल बीइंग है। इन सब के अलावा डार्क साइड के पास एक कॉस्मिक एनर्जी का फील्ड है जिसे ओमेगा इफेक्ट भी कहा जाता है। और ये जो ओमेगा इफेक्ट है, ये डार्क साइड को प्रोवाइड करता है और भी कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज, जैसे कि टेलीपोर्टेशन। डार्क साइड यूनिवर्स की किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। डार्क साइड एक ही टाइम पर मल्टीपल लिविंग बींग्स की माइंड को कंट्रोल कर सकता है। डार्क साइड अपनी माइंड पावर से ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकता है एंड मूव भी कर सकता है। डार्क साइड अपनी ओपोनेंट को इल्यूजंस भी दिखा सकता है। डार्क साइड मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और ये उसकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज में से एक है। वो अपनी एक थॉट से ऑर्डिनरी ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डार्क साइड अपनी साइज को बड़ा या फिर छोटा भी कर सकता है। डार्क साइड एनर्जी को मैनिपुलेट करके पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। डार्क साइड के पास है गॉडलाइक सेंसेस, वो अगर ब्लाइंड भी हो जाए तब भी अपनी ओपोनेंट को सेंस करके लड़ सकता है। डार्क साइड के पास है पावर मैनिपुलेशन की एबिलिटी, वो एक ऑर्डिनरी लिविंग बींग को पावरफुल बना सकता है। डार्क साइड सोल मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है एंड किसी डेड पीपल को रिजरेक्ट भी कर सकता है। डार्क साइड के पास है डुप्लीकेट क्रिएशन की एबिलिटी, यानी एक अवतार डार्क साइड भी अपनी अवतार बना सकता है। डार्क साइड के पास है एंटिटी क्रिएशन की एबिलिटी, वो सुपर ह्यूमन बींग्स जैसे एंटिटी को क्रिएट कर सकता है। डार्क साइड के पास है ओमेगा बीम्स। ओमेगा बीम्स डार्क साइड की वन ऑफ द सिग्नेचर मूव में से एक है। ओमेगा बीम्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एंटी मॉनिटर जैसे पावरफुल बींग तक को हार्म कर पाया है। डार्क साइड
हेड सीधा खड़ा रह के किसी भी एंगल पे ओमेगा बीम्स को फोकस कर सकता है, और ये जो ओमेगा बीम्स है ये जिस किसी पर भी फोकस होती है उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है। डीसी यूनिवर्स में गिने चुने कुछ कैरेक्टर्स है जो कि ओमेगा बीम्स को सर्वाइव कर पाए हैं, और ये जो ओमेगा बीम्स है इसका इनहेंस्ड वर्जन ओमेगा सैंक्शन है, और ये जो ओमेगा सैंक्शन है इसमें ओमेगा बीम्स की एक सीरीज को ट्रैप करके लिविंग हेल जैसा क्रिएट किया जा सकता है। ओमेगा सैंक्शन को एस्केप करना इम्पॉसिबल है। डार्कसाइड के पास है हाई इंटेलिजेंस, वो एक नियर ऑमनिसिएंट कैरेक्टर को भी आउटस्मार्ट कर चुका है। इसके अलावा डार्कसाइड सुप्रीम कॉम्बेटेंट है। तो ये था डार्कसाइड की पावर्स एंड एबिलिटीज। एनडीएस इस बैटल पे हम एंटी लाइफ इक्वेशंस को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। अभी इन दोनों की बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। अफ्तर वर्सन ऑफ डार्कसाइड एंड ट्राइगन दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है। दोनों की ही स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा इनहेंस्ड है। दोनों के पास ही अपनी अपनी यूनिक पावर्स एंड एबिलिटीज है। इन दोनों की बैटल में जो चीज सबसे पहले होगा वो है अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन। लेकिन सवाल ये है कि किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा है। तो इन दोनों के बैटल में किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा है ये जानने के लिए अफ्तर वर्सन ऑफ डार्कसाइड एंड ट्राइगन की कुछ पावरफुल फीट्स को करते हैं। अफ्तर वर्सन ऑफ डार्कसाइड ने टाइम एंड स्पेस को ट्विस्ट कर दिया था। उसने हेलबेट आर्मर को अपनी मॉडरेट एफर्ट से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा उसने हाई फादर जैसे पावरफुल कैरेक्टर से 7 दिनों तक लड़ा, वो भी बिना रुके। एंड यस, वो पूरे जस्टिस लीग को टक्कर दे सकता है एक बैटल में। अभी अगर ट्राइगन की कुछ फीट्स को देखे तो वो एक इंटर डायमेंशनल डीमन है। उसने एक बार इंटायर यूनिवर्स को कॉन्कर्ट किया था। इसके अलावा उसने पावरफुल सेलेस्टियल बींग्स तक को मौत की घाट उतारा है। तो इन दोनों की पावर्स, एबिलिटीज एंड फीट्स को एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता है इन दोनों की बैटल नो डाउट काफी ज्यादा डेडली होगा। जहां पर डार्कसाइड के पास है अपनी ओमेगा बीम्स, वही ट्राइगन के पास है अपनी हेलफायर एंड थर्मल ब्लास्ट। डार्कसाइड अपनी ओमेगा इफेक्ट को यूज कर सकता है इस बैटल में एडवांटेज लेने के लिए। वही ओमेगा इफेक्ट को काउंटर करने के लिए ट्राइगन के पास है कई सारे डिमोनिक एबिलिटीज। ओवरऑल देखे तो डार्कसाइड पावरफुल है, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो स्टिल ट्राइगन के लेवल की नहीं है। ट्राइगन एक इंटर डायमेंशनल डीमन है जो पावरफुल सेलेस्टियल बींग्स तक को मार चुका है। तो मुझे लगता है काफी ज्यादा डेडली एंड डिस्ट्रक्टिव बैटल होने के बाद इन दोनों में से ट्राइगन ही विक्टोरियस मर्ज्ड होगा। यानी अवतार वर्सन ऑफ डार्कसाइड एंड ट्राइगन की बैटल में मुझे अगर किसी एक को विनर चूज करनी हो तो मैं ट्राइगन को चुनूंगा। तो ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन इन दोनों की बैटल को लेकर। आप लोग भी अपना रिस्पेक्टेबल ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।